नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 रेसिपीज बनाने जा रहा हूं। ये इंडियन नहीं बल्कि एक मेडिटेरेनियन रेसिपी है और इन 3 रेसिपीज का कॉम्बिनेशन बहुत ही फेमस और लाजवाब है, इसलिए मैं आपको ये तीनों रेसिपीज एक साथ दिखा रहा हूं। ये रेसिपीज बहुत ही हेल्दी है एंड इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए हुम्मस, फलाफल एंड पीटा ब्रेड। मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा जो कि इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसका रेसिपी दिखाता हूं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 5 कप चिकपीस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हमने 8 घंटे तक पानी में भिगो के रखा है। पहले हम बनाएंगे हुम्मस और इसके लिए हमें चाहिए 3 कप काबुली चना। इसे हमें अच्छी तरह पका लेना है। इसे पकाने के लिए हमें चाहिए 4 कप पानी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 और सोडा डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा और फिर मैं इसे बंद करके 15 से 20 मिनट तक मैं इसे पका लूंगा। तो जब तक हमारा चना पक रहा है हम बनाएंगे ताहिनी सॉस। तो ये ताहिनी सॉस हमें हुम्मस बनाने में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद तिल। मैं यहाँ 1/2 कप सफ़ेद तिल ले रहा हूँ। इसे हमें बहुत ही धीमे आंच में सौटे करना है। हमें इसे तब तक सौटे करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे, क्योंकि ये तेल बहुत ही ड्राई होता है, उसे पीसने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करना है और दूसरा कोई भी ऑयल आप यूज़ मत कीजिएगा। ऑयल डालने के बाद हम फिर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया है, हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा ताहिनी सॉस बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब उसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे लहसुन की 10 से 12 कलियां, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। फिर हम ऐड करेंगे बहुत ही थोड़ा पानी और फिर इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट कर लेंगे। इस पेस्ट को हम फिर ऐड करेंगे ताहिनी सॉस के साथ। तो हम इसे डायरेक्टली सॉस में ऐड नहीं करेंगे, हमें इसे फिल्टर कर लेना है। तो हम एक छलनी की मदद से इसे फिल्टर करके हमें सिर्फ इसका जो मेन सॉस है हमें वो सिर्फ वही चाहिए, इसका जो पल्प है वो हम फेंक देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका हुम्मस बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में बने, नहीं तो फिर गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आपको हुम्मस बहुत ही स्मूथ पसंद है तो आप कोई भी प्रोसेस स्किप मत कीजिएगा। फिर हम इस सॉस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये सॉस गाढ़ा ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारे चने का क्या हाल है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, इसमें थोड़ा झाग फॉर्म हो गया है। हमें इसे एक स्पैटुला की मदद से झाग को निकाल लेना है। मैंने इसमें सोडा इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये चने को सॉफ्ट कर देता है और इसका स्किन भी बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा चना पका है कि नहीं। तो ये चना बिल्कुल पक गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे ठंडा करने के लिए। ठंडे होने के बाद हमें इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ना होगा ताकि इसका स्किन आसानी से निकल जाए। तो अगर हम स्किन को नहीं निकालेंगे तो आपका जो हुम्मस होगा वो बहुत ही ग्रेनी बनेगा और आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका हुम्मस बहुत ही स्मूथ बने।
अब हम इसे एक ब्लेंडर में डाल के इसे बहुत ही फाइनली और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ कुछ चिकपीस अलग से निकाल कर रख रहा हूँ ताकि ये बाद में काम आएगा फॉर गार्निशिंग। मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट और फिर मैं ऐड करूँगा टाइनी सॉस जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। हमें इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना बढ़िया फाइन पेस्ट बन गया है। हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए इसे हम गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड चिकपीस या काबुली चना। फिर हम ऐड करेंगे इसमें कुछ रेड चिली पाउडर, ये इसे थोड़ा स्पाइसी बना देगा। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको आपका हुम्मस बहुत ही स्मूथ पसंद है तो आप कोई भी प्रोसेस स्किप मत कीजिएगा। लीजिए हमारा हुम्मस बन के रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे फलाफल। तो फलाफल बनाने के लिए हमें 2 कप चिक पीस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम डालेंगे 2 मीडियम प्याज कटे हुए। फिर हम डालेंगे 1/2 इंच जिंजर और 2 हरी मिर्च। इसके साथ हम ऐड करेंगे पुदीना के पत्ते, इसे हमें बारीकी से काट लिया है। फिर हम डालेंगे धनिया पत्ते, इसे भी हमने बारीकी से काट लिया है। इन सबको हमें एक कोस पेस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड किया था लेकिन मैं वो आपको वीडियो में दिखाना भूल गया, सॉरी दोस्तों। फिर इस पेस्ट को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका जो पेस्ट है वो ज़्यादा थिक है कि वो थोड़ा लूज़ है। अगर आपका पेस्ट लूज़ है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस पेस्ट को थोड़ा थिक कर लेगा और इसे बॉल्स का शेप देने में ये मदद करेगा। अगर आपका पेस्ट ठीक नहीं हुआ तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए। अब हमें इसे अपने हाथों से रोल करके के छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल गरम कर लेंगे। पहले चेक कर लेंगे हम कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें फलाफल जो बॉल्स हमने बनाया था वो हम डालेंगे और इसे तब तक डीप फ्राई करेंगे जब तक कि ये कलर का डार्क ब्राउन ना हो जाए। आपको इसे मीडियम आंच पे पकाना है, नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये पकेगा भी नहीं। आपको इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक छलनी की मदद से तेल से निकाल लूँगा। मैं इसे एक प्लेट में एक टिश्यू पेपर ले लिया हूँ, फिर उसके ऊपर हम ये बॉल्स डाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो दोस्तों ये हमारा फलाफल बनके रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे पीटा ब्रेड। इसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून ड्राई यीस्ट इन 1/2 कप ऑफ वार्म वाटर और 1 स्पून हम लेंगे शुगर। अच्छी तरह हिलाएंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि ये यीस्ट एक्टिव ना हो जाए। क्योंकि हमने शुगर और वार्म वाटर का यूज़ किया है तो ये यीस्ट को एक्टिव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो पीटा ब्रेड के लिए हम लेंगे 2 कप आटा, फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। फिर हम इसमें धीरे धीरे जो हमने यीस्ट का जो मिक्सचर रेडी किया था हम वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह भुनेंगे। हमें इसमें कुछ ऑयल भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ऑलिव ऑयल से हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी बीच में ऐड करना पड़ेगा। हमें इस आटे को बहुत ही स्टिकी करके गूंदना है।
मैं इसे रोटी की तरह नहीं गूंदना है, मैं इसे बहुत ही स्टिकी रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आटा कितना स्टिकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल रहा हूँ, इसके चारों तरफ मैं अच्छी तरह ऑयल स्प्रेड कर दे रहा हूँ ताकि बाउल में अच्छी तरह ऑयल पकड़ ले। तो मैं ऑयल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब हम इसे 2 घंटे तक रखेंगे रेस्ट करने के लिए, तो ये जो क्वांटिटी वो फूड के डबल हो जाएगा और ये बाउल के साथ चिपक जाएगा, तो फिर हमें इसे बाउल से निकालने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। भुने हुए आटे को हमें 2 घंटे तक रखना होगा, हम इसे एक कॉटन क्लोथ से ढक लेंगे। दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं हमारा आटा क्या हो गया। तो देखिए आप, ये आटा फूल के एकदम डबल क्वांटिटी हो गया है और ये बॉल से बिल्कुल चिपका भी नहीं है, इसलिए हमने इसमें ऑयल ऐड किया था। अब हमें इसे फिर से 5 मिनट तक अच्छी तरह हमें इसे और गूंदना है क्योंकि आटा बहुत ही स्टिकी है, तो हम थोड़ा सा आटा और यूज़ करेंगे इसमें। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। आप जितना इसे अच्छा से स्ट्रेच करके गूंदेंगे आपका जो पीटा ब्रेड है वो उतना ही सॉफ्ट बनेगा और फ्लफी बनेगा। तो मैं इसे एक टेबल टॉप के ऊपर मैं इसे गूंद रहा हूँ ताकि हमें अच्छी तरह गूंदने के लिए स्पेस मिल जाए। तो हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है, अब हम इसे इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक नाइफ की मदद से इसे इक्वल पार्ट में कट कर ले रहा हूँ। फिर हम इसके एक मीडियम बॉल बनाएंगे, हम इसे अच्छी तरह रोल करके चारों साइड को हम इसे टकिंग कर लेंगे और इसे एक बॉल का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरह भी इसे दे सकते हैं या फिर आप जिस तरह रोटी को आप अपने हाथों से राउंड करते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस तरह हमें सभी पीसेस को हमें रोल करके बॉल का शेप दे देना है और फिर हम इसे फिर से अराउंड 5 मिनट तक इसे हम रेस्ट करने देंगे। दोस्तों इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन ये खाने में भी उतनी ही लाजवाब होगी। आपको तो पता ही होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो चलिए 5 मिनट हो गया है, ये थोड़ा और फूल गया है, अब हम इसे हम बनाएंगे रोटी या पीटा ब्रेड। हम इसे एक रोलिंग मोड के ऊपर अच्छी तरह बेल लेंगे, हमें इसे रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, हमें इसे बहुत ही मोटा बेलना है। और क्योंकि ये जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, जब आप बेलेंगे तो ध्यान से दीजिएगा कि आप इसे उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें, ये ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा। तो हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही नर्म तरह से हमें इसे बेलना है। ये हमारा ब्रेड बेल के रेडी हो गया है, देख सकते हैं कि हमने इसे कितना मोटा रखा है। अब हम इसे एक तवा के ऊपर अच्छी तरह सेक लेंगे। अगर आप आटा गूंथते वक्त मेरा प्रोसेस सही तरह फॉलो करेंगे तो ब्रेड को सेकते वक्त ये बहुत ही फ्लफी बनेगा। हमें इसे दोनों तरफ अच्छी तरह पलटना होगा ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बलून्स आना शुरू हो गया है। अब हम एक स्पैटुला की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। हमारा ब्रेड फूल के बहुत ही अच्छी तरह बलून के जैसा हो गया है, इसका मतलब कि ये हमने आटा बिल्कुल ही सही गुना है। दोस्तों हमारा पीटा ब्रेड बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसे कैसे खाया जाता है। जी हाँ, इसे खाना भी एक कला है। तो पहले हम इसे बीच में काट लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेड बहुत ही फ्लफी था इसलिए इसे पॉकेट भी अच्छा बन गया है। अब इसके अंदर हम कुछ स्टफिंग्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हुम्मुस,
फिर इसके अंदर हम डालेंगे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो मैं यहाँ कुछ टोमेटोज और अनियंस मैंने स्लाइस कर लिया है, तो हम अनियंस और टमाटोज इसके अंदर भी स्टफ कर लेंगे। आप चाहिए तो एक्स्ट्रा कुछ वेजिटेबल्स है तो आप उसे भी स्टफ कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे फलाफल जो हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था। फलाफल को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह स्टफ कर लेंगे और फिर हम इसे खाएंगे विथ अरेबियन पिकल। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा हुमूस फलाफल पीटा ब्रेड बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपना फीडबैक